दोस्तों जिन यूट्यूबरों पर आप आंख बंद करके भरोसा करके बैठे हो, वही यूट्यूबर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो यूट्यूबर कहते हैं कि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, वही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नित्या के सपोर्ट के बारे में। उसने अपनी एक वीडियो में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत आपको जानकारी दी है। दोस्तों वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साइड में मैं यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखें पहले। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये रूल जो है, ये रूल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर 1 साल के अंदर आपके चैनल पे 4000 घंटे और 1000 का सब्सक्राइबर नहीं पूरा होता है तो आपका चैनल का जो है वॉच टाइम जो है वो 0-0 हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी आपके जो है मायने नहीं रखे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है या फिर अगला साल आता है तो फिर से आपका जो है, आप वॉच टाइम अगर वीडियो डालते हैं, अगर आपका वीडियो वायरल हो जाता है या फिर वीडियो चलना शुरू हो जाता है तो फिर से जो है आप अपने चैनल पे 4000 का घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज। तो दोस्तों यहाँ पर नित्या के सपोर्ट कह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, क्या ये रूल कुछ इस तरीके से बनाया गया है, अगर 1 साल के अंदर आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 का सब्सक्राइबर पूरा नहीं होता है तो आपका वॉच टाइम 0-0 हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी मायने नहीं रखे जाएंगे। पहली बात तो दोस्तों आपका वॉच टाइम 0-0 नहीं होता है, सिर्फ आपका माइनस किया जाता है। मान लीजिए आपका 365 डेज से ऊपर चला गया है तो जो आपका 365 डेज से पहले दिन थे उसको माइनस किया जाएगा। आपका सारा वॉच टाइम यूट्यूब कभी भी माइनस नहीं करता, ये नित्या के सपोर्ट भी अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों। और सब्सक्राइबर तो दोस्तों बिल्कुल भी आपके माइनस नहीं होते। और दोस्तों यहाँ पर नित्या के सपोर्ट ने ये भी कहा कि आपके सब्सक्राइबर भी मायने नहीं रखे जाएंगे। दोस्तों इस बात को भी वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो सब्सक्राइबर हैं वो तो मानने या ना मानने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जो सब्सक्राइबर चैनल पर आ गया वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, वो कभी भी हमारे चैनल पर से रिमूव नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर खुद अनसब्सक्राइब होता है वही हमारा माइनस होगा, वरना यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर को कभी भी माइनस नहीं करता, वो चाहे आपके 1 साल में पूरे हों, 2 साल में पूरे हों। ये बात नित्या के सपोर्ट अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उन्होंने अपनी ऑडियंस को भ्रमित किया है, अपनी ऑडियंस को गलत जानकारी दी है। दोस्तों उसने ऐसा क्यों किया है? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नए क्रिएटर हैं जो उसके वीडियो को देखते हैं, अगर वो देखेंगे और उनका 1 साल पूरा होने को आया है और उनके वॉच टाइम उनका पूरा नहीं हुआ है, कुछ कम रह गया है, 400 से 500 घंटे कम रह गए हैं, तो उनको तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाएगी कि यार अब तो हमारा 1 साल पूरा हो गया और जो हमारा ये वॉच टाइम हमने कम्प्लीट किया था वो हमारा माइनस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यूट्यूब आपके वॉच टाइम को 365 डेज का काउंट करता है। जिस तरह से दोस्तों आप अपनी YT स्टूडियो में देखते हो, लास्ट 28 डेज, लास्ट 7 डेज जो पिछला होता है उसको नहीं दिखाता, जिस तरह से दोस्तों आपके YT स्टूडियो में लास्ट 28 डेज का दिखाता है उसी तरह दोस्तों आपको 365 डेज का देखना है। जो भी आपका 365 डेज का होगा वो आपका ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा वो टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर नित्या के सपोर्ट को ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, अपने सब्सक्राइबर को, अपनी ऑडियंस को इस तरह से डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए था, भ्रमित नहीं करना चाहिए था। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा उन लोगों को जिनका वो टाइम पूरा होने को आया है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, बेस्ट ऑफ।